हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सेवन फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स बच्चों आज का आपका टॉपिक है नैनसिल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है तो ये लॉन्ग वॉक का मतलब है लॉन्ग स्ट्रगल ठीक है तो इनका जिस तरह का स्ट्रगल रहा है गांधी जी की स्ट्रगल गांधी जी की स्टोरी सेम है लगभग इनको साउथ अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं ठीक है ठेके? तो जैसे इंडिया का इंडिया के लिए गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था इंडियन फ्रीडम में उसी तरह से नैनसिल मंडेला का इम्पोर्टेंट रोल है साउथ अफ्रीका के फ्रीडम में ओके okay, तो आज हम उनके स्पीच का एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे जो उन्होंने दिया था बहुत सारे लीडर्स वहां पर आए हुए थे ठीक है तो उन्होंने क्या कहा था उस इस एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस ओके तो शुरू करते हैं टुडे

हम हम मतलब क्या बताया गया साउथ अफ्रीकन लोगों को कि जो कि कैसे थे आउटलॉस थे ठीक है जो आ, बिल्कुल ही जिनको अच्छा नहीं माना जाता था हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है आज हम अपने मिट्टी पर खड़े हैं और हम अपनी कंट्री में खड़े हैं अपनी देशभूमि में खड़े हैं और होस्ट हैं और उन सब की मेजबानी कर रहे हैं जो भी नेशंस आज हमने यहाँ पे आए हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वि थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी सम्मानी लोग वहां पर आए हैं उन सबको क्या बोल रहे है? कि हम बहुत ही थैंकफुल एंड है, शुक्रगुजार हैं उन लोगों के फॉर हैविंग कम जो कि यहाँ पर आए टू टेक पोजिशन विद पीपल ऑफ आवर कंट्री ठीक है तो यहाँ पर जो लोग आए हैं हमारे साथ और हमारी कंट्री का ये पोजीशन देखने के लिए ऑफ आर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमैनिटी जो कि एक जीत है जस्टिस के लिए न्याय शांति और ह्यूमन डिग्निटी मानव की सम्मान के लिए वी हैव एट लास्ट और फाइनली अचीव्ड आर पॉलिटिकल एम सी पेशेंट ठीक है एमसिपेेशन का मतलब है इमैनसिपेशन का मतलब है द फ्रीइंग ऑफ समवन फ्रॉम स्लेवरी ठीक है स्लेवरी से जब किसी चीज किसी को स्ट्रगल मिलता है उसको बोलते हैं इमैनसिपेशन ओके सो वी प्लेज वी प्लेज हम ये आज प्रण लेते हैं प्रतिज्ञा लेते हैं आर सेल्फ टू लिब्रेट ऑल आर पीपल कि हम अपने सारे लोगों को स्वतंत्र कराएंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी किससे जो हम गरीबी के जो दलदल में फंसे थे ठीक है डिप्राइवेशन ठीक है तो ये है डिप्राइवेशन होता है जो अभाव होता है जो चीजों को जो मिलती नहीं है लोगों को ठीक है तो वो और सफरिंग सफरिंग जो भी उनके दुख है ठीक है जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह के भेदभाव ठीक है रंग भेद के भेदभाव और जाति के ठीक है और तो, मेल फीमेल के ऐसे बहुत सारे बच्चों भेदभाव होते है ना तो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल बी इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ

गॉड ब्लेस अफ्रीका तो उन्होंने बोला कि अब स्वतंत्रता का राज रहेगा और गॉड ब्लेस अफ्रीका ठीक है और इस, इस सूरज जो है वो इस ग्लोरिफाइड ह्यूमन अचीवमेंट का सूरज कभी नहीं ढलेगा ठीक है तो ये है उनकी बहुत ही फैंटास्टिक स्पीच ठीक है तो अब हम समझते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को नंबर वन क्वेश्चन है मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसका क्या मतलब है व्हाट डज ही मीन बाय दिस उसका यहाँ पे क्या मतलब है ठीक है ह्यूमन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या-क्या चीजें हैं इसमें डिपेंडेंस है ठीक है डिपेंडेंस जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं रूलिंग अदर कंट्री दूसरे रूल दूसरी कंट्री का रूल करना ठीक है Oppression, दूसरी, दूसरी टीम दूसरा जो कंट्री है वो किसी के ऊपर अधिकार करता है वो ठीक है या फिर अपार ठीक है का मतलब होता है 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 बच्चों ठीक ठीक और अ, तो यहाँ पर क्या था डिस्क्रिमिनेशन था काले और गोरों का ठीक है तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपार्थहेड इसको अपराध हेड नहीं कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं अपार्थ हेड ठीक है, राइट क्वेश्चन नंबर टू करते हैं क्वेश्चन नंबर में में लिखा हुआ है, वो क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं ठीक है ठीके? तो ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब क्या है फ्रीडम ऑफ अर्थ ठीक है तो रंग भेद से फ्रीडम को वो बोल रहे हैं ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन ठीक है राइट क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अपार्थेड क्या इसके बारे में सही नहीं है तो अपार्थेड में आपको पता है बच्चों वाइट हैड देयर ओन वे एंड से वाइट लोगों के अलग से रूल्स थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे उनके हर जगह उनको प्रायोरिटी दी जाती थी ठीक है ब्लैक साउथ अफ्रीकन कुड नॉट सही 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 है 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 ये 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 भी सही, ये भी सही है, education was segregated, education भी भी अलग-अलग अलग-अलग अलग कर कर दिया दिया का मतलब करना ठीक को गया था तो तो आपका बात थी जो कि नहीं थी अपड के बारे में तो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा डी ओके okay? अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन है आपका मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर्स इज़ द रीज़न उसने उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू कहा था उसका क्या कारण है ठीक है तो उसका आंसर लिखेंगे मंडेला थैंक ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर गिविंग हिम द प्रिवलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है कि वो वहां पर होस्ट बने हैं अपनी पे अपनी मिट्टी पे वो होस्ट बने हैं और सबको सबकी मेजबानी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था ही सो बिकॉज़ द साउथ अफ्रीकन वॉज कंसिडर्ड एज आउटलॉस उनको क्या माना जाता था उनको माना जाता था कि वो क्या है बंधुआ मजदूर हैं वो उनका खुद का कोई अधिकार नहीं किसी चीज पे है ना ही ऑल्सो थैंक् Him, that, them for to of और ह्यूमन उनकी 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 डिग्निटी को, को वहाँ पे सिग्निफाई करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए तो इसलिए उन्होंने उनको कहा थैंक यू फिफ्थ क्वेश्चन आपका वी सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किए थे ठीक है उन्होंने क्या सोचा था तो मंडेला सेट्स आउट द आईजीएस आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ठीक है गरीबी को हटाना रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल कि लोग और सफर ना करें दुख से और रंग भेद से है ना ही आल्सो ड्रम्प्ड ऑफ अ सोसाइटी वेयर

जाति का ठीक है रेशियल मतलब होता जाति का ठीक है तो वहां पर कोई भेदभाव ना हो वो यही चाहते थे फ्यूचर साउथ अफ्रीका में राइट आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी इफ यू हैव एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट वीडियो